नमस्कार, मैं हूँ राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों, फिलहाल की जो है मैं बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने लेकर के आया हूँ कि भाई एक ऐसी बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े मसीहा जिनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, जी हाँ, इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि दयानंद सरस्वती का जन्म जो है टंकारा के अंदर 12 फरवरी 1824 को हुआ था भाई, जी हाँ, और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर के अंदर उनकी हत्या कर दी जाती है, यानी कि उनको जहर दे दिया जाता है। और उनका एक ही नारा था कि वेदों की ओर वापिस लौटो। जी हाँ साथियों, उनका काल्पनिक नाम जो बचपन का नाम था वो मूलशंकर था, और उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, और वो एक बहुत ही महान आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक रहे। लेकिन आज क्या है, कोई भी उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए आज उनकी 200वीं जो पुण्यतिथि है, जो जयंती है, वो मनाई जा रही बड़ी धूमधाम से जगह जगह पर। तो साथियों, इसी आने वाले 23 तारीख को जिम के खटखट टोल प्लाजा पर पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर पहुंचें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कार्यक्रम चल रहे हैं, और इस उपलक्ष्य में 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में खटखट टोल प्लाजा के ऊपर जो है काफ़ी धूमधाम से कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे भिवानी, हरियाणा, दोहारू, जितने भी हरियाणा के ज़िले हैं, सभी ज़िलों से लोग पहुँच रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि भाई अधिक से अधिक लोग वहाँ पर पहुँचे और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके साथ में जो बाबूलाल आर्य जी हमारे जुई गांव से काफ़ी अच्छा मतलब प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आगे आएं और कार्यक्रम में पहुँचें। तो आप सभी से भी आशा करता हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेकर के आएंगे और पहुँचेंगे और अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और वेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।